तो आज हम बनाने जा रहे हैं शक्करपारे, जो कि घर पे बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप चीनी पाउडर, जो कि मैंने मिक्सर में पीस ली थी चीनी। इसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 कप घी ले रही हूँ, जो कि मैंने पिघला दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम हथेलियों से मिक्स कर लेंगे। ये जो घी है ये अच्छे से पूरे आटे में लग जाना चाहिए, और आप इस तरीके से मिक्स करें जैसे कि मैं कर रही हूँ। और जब ये इस तरीके से बाइंड होने लगे तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध जो है यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है, और एकदम से हमें नहीं डालना है दूध इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि ये जो डो है ये हमें थोड़ा सा हार्ड गूंदना है, ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, और अब इस तरीके से सारा समेट लेंगे हम आटे को, और 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक पेड़ा ले लूँगी मैं यहाँ पे, और इसकी एक मोटी सी हम रोटी बेल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमें इसकी गोल सी रोटी बना के फिर हम इन्हें अपनी जो भी पसंद की शेप्स है उसमें कट करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें कितनी जो है मोटाई रखी है इसकी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं चाकू से इसकी शेप्स कट कर लूँगी। आप अपनी मनपसंद शेप्स कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप कट कर रही हूँ। और इस तरीके से हम इन्हें तेल में फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखें, इसे बिल्कुल भी मीडियम या हाई ना करें, क्योंकि इसमें दूध और चीनी है तो ये एकदम से ब्राउन होने लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे चम्मच से मिक्स करते रहना है, अदरवाइज ये नीचे से ब्राउन हो जाएंगे और ऊपर से बिल्कुल वाइट रहेंगे, और बिल्कुल भी दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो एकदम पेशेंस के साथ स्लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए कितना सुंदर कलर आ चुका है, और हमारे जो शक्करपारे हैं वो एकदम फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल देंगे। तो एक प्लेट में नैपकिन रख लें, और इन शक्करपारों को अच्छे से तेल से निकाल के एक्सेस ऑयल रिमूव कर दें, और एक प्लेट में अच्छे से रख दें। इसी तरीके से सारे शक्करपारे फ्राई कर लें। तो ये शक्करपारे हमारे तैयार हो चुके हैं। आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।